उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत होगा मुफ्त इलाज। नया मुरादाबाद स्थित सुपर स्पेशलिटी उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लिए क्रिटिकल केयर हेल्थ केयर सर्विसेज को सुलभ तथा सस्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल सूचीबद्ध किए जाने की घोषणा की गई। संबंध में उजाला सिग्नस के चेयरमैन और डायरेक्टर प्रोवल घोषाल ने यह बताया। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत वर्मा है, मैं एज ए यूनिट हेड इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो एक नई योजना सरकार के द्वारा उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में दी गई है, उसके संबंध में सूचित करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं ने उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है, आप लोगों का बहुत आभार उसके लिए। जो योजना है उसके बारे में अगर डिस्कस करें, योजना का नाम है मुख्यमंत्री राहत कोष योजना, इसको हम यूपी सीएम फंड बोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार या पेशेंट जिनके पास किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका इलाज डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, जिसकी एक प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को डॉक्टर देखते हैं, वो एडवाइस करते हैं इनको इस बीमारी के लिए भर्ती होकर के इलाज कराना है, उसका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और सरकार को पेशेंट के आय प्रमाण पत्र जो मुखिया है उसका, या पेशेंट जो खुद मुखिया है अगर उसका, उसके साथ में फाइल सबमिट की जाती है डीएम ऑफिस में। वहाँ से पूरा प्रोसेस होकर के शासन में जाती है, शासन से उसका पैसा आता है और उसका फिर इलाज हम लोग करते हैं। ये प्रक्रिया है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके पास सरकार की किसी भी योजना, जैसे आयुष्मान हो गया, ESI हो गया, ECHS हो गया, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर उसमें संबंधित कोई योजना नहीं है तो उसका इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा फ्री कराया जा सकता है। ये योजना है। योजना के तहत किया जा रहा है, कौन कौन से इलाज आते हैं, उसमें क्या समय? डॉक्टर शशांक चौहान का नाम है, मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है, इमरजेंसी के अलावा बाकी प्लान कोई भी सर्जरीज या कोई भी इलाज उस सुविधा के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई हुआ है तो उसमें अचानक से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो जब तक फाइल वहाँ से परमिट नहीं होगी, पूरे जो उसकी क्या कहते हैं कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तब तक वो रिलीज़ नहीं होगा, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी। तो इमरजेंसीज़ के अलावा जो भी प्लान्ड सर्जरीज हैं या मेडिकल मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। जो पेशेंट आपके पास पहले आ चुका है और उसको ये योजना के बारे में बात को पता चला है, तो क्या वो बीच में भी आवेदन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, अगर डॉक्टर्स डॉक्टर्स बताते हैं उनकी सर्जरीज। अगर सपोज़ कोई बीच में पेशेंट आ गया है, हमने देखा उसके छाती में दर्द है, एंजियोग्राफी हुई, उसमें निकला ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, बायपास की ज़रूरत है, लेकिन बायपास के लिए उसके पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है और उसके थ्रू जब ग्रांट आएगी तो हमारे अंडर आके एडमिट हो सकता है। तो ये कितने दिन का प्रोसीजर होता है? ये डॉक्टर जी, प्रोसीजर लगभग जो है वो एक से सवा महीना लगता है। फाइल पहले यहाँ जमा होती है, उसके बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर सचिवालय जाती है। जो पेशेंट आपके पास आया उसने इलाज करा लिया, मान लीजिए 10 दिन का उसका इलाज हो गया और वो योजना उसको बाद में मिलती है, तो जो 10 दिन का जो खर्च है वो उसमें जोड़ दिया जाए? जी नहीं 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 नहीं, एक्सक्लूडिंग इट नहीं। शासन ने अगर आपको आज की तारीख में पैसा दिया है तो आज के बाद का जितने भी इलाज है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पहले का कोई भी इलाज उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ब्रज चिकित्सा संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहां के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहाँ मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ों विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल,
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।